and this is the top model I've got. Mm-hmm. Now the attachments are just quite the middle of the machine, and I'll tell you how to remove them. And now this comes with 9 attachments in total, and different attachments are for different things that comes with it for extension purposes. So this is the first attachment for all your floors, like whatever hard floors are. So attach it like this, just very easy. And for taking it out, just press this button and put it on. That's all. So we just need to press this red button and just move around. It's a very flexible option. Just to rotate of the wrist, it helps you to rotate out. So all these areas. दरवाजे की बात करी हो उधर सब कुछ जो भी है जहाँ पे क्लीन हो रहा है वहाँ पे चल के देख के वहाँ पे वो लग रहा है कि नहीं लग रहा. देखो पूरा उठा लिया ना उधर. आयो दबाओ. अभी का है पहले का ये? अभी का ये अभी दोबारा भी आप करके देख लीजिए. कुछ नहीं निकलेगा. मैं तो आई थिंक आई हैव अ पार्ट. मैट का ही है सर. मैट का है. लग रहा ही निकालेगा. साइड में डालो ताकि पता चले. ये डस्ट नाम आपका हो. And this is not just dust. Basically, so dusting के लिए now you don't have to move the entire machine. This is stable. Now this is you just moving your hand. आपका हाथ भी दर्द नहीं होता है एंड इजिली आप ड्रॉर्स के अंदर जैसे कंपार्टमेंट आप क्लीन कर रहे हैं, टेबल क्लीन कर रहे हैं, नॉर्मली किचन पे ड्राई फ्लावर ऐसा कुछ गिर गया है, पॉपकॉर्न चिप्स एनीथिंग लाइक दैट विल बी इन दिस स्क्रैचेस आल्सो. तो दिस इज द V7. दिस कम्स दिस अटैचमेंट कम्स फॉर क्रेविसेस ऑल द बैक. दीस आर द 5 अटैचमेंट्स दैट यू गेट फ्रॉम द helps you to create an angle basically. Okay. Like this. So you can easily clean from the top of the shell, top of the fan, anything. Hello everyone. तो सुबह आपने देखा जो एक क्या है वो वैक्यूम क्लीनर टाइप है उसका डेमो देने के लिए आया था. मैंने ही बुलाया था एक्चुअली क्योंकि उसका जो एड है मुझे इंस्टाग्राम में दिखा था तो बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट लगा. तो आई वाज लाइक कि
झाड़ू पोछा पोछे वाला भी, क्योंकि आजकल जो रोबोट्स आ रहे हैं घर की क्लीनिंग के लिए, वो पोछा भी लगा दे, सब कुछ करते थे, मैंने सोचा वो भी होगा एंड अच्छा क्लीन कर रहा था, तो उसमें पोछा नहीं दिखाया था, बट क्लीनिंग व्लीनिंग जाले वाले निकाला सब दिखा दिया था, तो इसलिए मैंने डेमो के लिए बुलाया। बट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे लेना है कि नहीं, उसमें पोछा नहीं है, बट जितना भी जो भी कचरा है माइन्यूट से माइन्यूट भी वो पिक कर लेता है। एंड वो बोल रहे थे कि आपके ये जो दिमाग में गलतफहमी होती है कि पोछा लगाने से ही घर साफ होता है, जब एक भी पार्टिकल नीचे रहेगा नहीं तो ऑटोमेटिक घर साफ ही रहता है करके ही वॉज टेलिंग। तो मैंने सोचा था मैं खरीद लूँगी, लेकिन अभी वहाँ के लिए यहाँ के लिए नहीं, तो आई विल थिंक कि कब मुझे खरीदना है क्या है, थोड़ा और भी उसके बारे में जांच पड़ताल करके सब कुछ उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद आई विल ट्राई, क्योंकि एक ही बार से आई कैन नॉट डिसाइड बिकॉज वो थोड़ा कॉस्टली भी है। और अभी जो है यहाँ पे नेबर्स के लड़के की किसी की कुछ दिन पहले शादी हुई थी, उस दिन जिस दिन हम चेन्नई गए थे उस दिन शादी हुई थी, एंड आज जो है रिसेप्शन है कुछ दिनों के बाद में, तो मैं तो जाने वाली नहीं थी। मम्मी ने बोला कि मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, चलो नहीं तो क्या खाओगे, मैं वो कोई बात नहीं, मैं कुछ भी पानी वानी जो भी ब्रेड नमकीन खा के चला, बोलती नहीं मम्मी, बोलती चलो चलो चलो। और यहाँ पे शादी लायक कपड़े तो मैं कुछ लाई नहीं थी, और वैसे भी कुर्ते वुर्ते ही बेस्ट है अभी समर में, तो मैंने ये एक और कुर्ता था जो चेन्नई जाने से पहले लिए थे, दो कुर्ते मैंने, एक तो आपने देख चुका है वो वाला कुर्ता है एंड दिस इज अनदर वन, तो मैंने इसके साथ भी यही वाली इयररिंग्स पहन ली, क्योंकि दूसरी जो मैंने पहनना सोचा पता नहीं, उसको मैंने अपने हैंडबैग में डाला था चेन्नई में, अगर ड्रेस चेंज करनी पड़ी तो मैंने बैग में ये ड्रेस भी रखी थी, तो बैग में रखा मैंने कवर में डाल के नहीं रखा था, उसको ऐसे ही डाल दिया लास्ट मोमेंट में, तो उसमें साथ में दो धागे वागे लिपट लिपट के उसके कुछ मोती जो होते हैं वो निकल चुके हैं, तो फिर मैंने यही पहन लिया, ये भी मैच हो रहा है एंड ये वाला नेक पीस। तो ये जो पीसेस मैं आजकल रोज़ पहन रही हूँ, मुझे महालक्ष्मी ने भेजे थे, मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग्स में, आपने देखा होगा, किसी ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया उनके पास, यार कर लो, बहुत सस्ते सस्ते हैं, एंड सी मैं कोई भी ओकेशन में जा रही हूँ आई एम वेयरिंग दिस, तो बहुत सस्ते में आप बहुत ग्रैंड लुक अपना बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। एंड गर्मी बहुत है, पसीने खूब आ रहे हैं, पाउडर शोडर कितना भी थोपो फिर पिघल ही जा रहा है वो, तो बच्चे भी ऑलरेडी रेडी होके कार में बैठे हैं, सब लोग रेडी हो गए, अभी चलते हैं हम लोग। हेलो, तो मैं झूले में बैठ के वेट कर रही हूँ कि मम्मी पापा सब बाहर आ जाए, बच्चे तो ऑलरेडी कार में बैठ चुके हैं, तो रेडी होके बाहर बैठी हूँ, धूप है लेकिन झूले में बैठने में थोड़ा रिलैक्स ही लगता है, नॉर्मल सीट से बेटर झूला ही लगता है, तो अभी मैं खड़ी हो चुकी हूँ क्योंकि मम्मी पापा आ रहे हैं बाहर। ये दोनों देखो पहले से अंदर घुसे रहते हैं हमेशा, अभिषेक को तो कार की बीमारी है, वो अगर ऐसी ही खड़ी रहेगी ओपन में रहेगी तो भी ओपन करके बैठ जाता है। तो अभी हम चले रिसेप्शन में और वहां के ग्लिम्सेस थोड़े बहुत देख लीजिएगा आप भी। तो यहाँ मेरे पापा के साथ अभिषेक जो है स्टेज पे जा चुका था और उसने अपने सैंडल भी खोल दिए, और जहाँ जहाँ मेरे पापा जा रहे थे वहाँ वहाँ पीछे पीछे घूमे जा रहा था वो। और उसके बाद हम लोग घर आ गए, और किसी भी फंक्शन में जाने के बाद पता नहीं पैर इतने क्यों दर्द होते हैं, तो मेरे दोनों बच्चों जो है सबके पैर दबा रहे थे चढ़ चढ़ के, वो लोग मेरे ऊपर थोड़ी देर चला आदित्य अभिषेक, फिर मेरे मम्मी पापा के ऊपर चला, बच्चों ने बहुत सेवा कर दी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे है ये, और सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है, दोसे बने देखो क्रिस्पी वाले, एंड किसको दे रही हूँ मैं, पति देव को, तो हमको यहाँ पे लेने के लिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और मेरे हस्बैंड जो है सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहते हैं, मेरे को लेना भी पसंद है उनको देना भी पसंद है। तो पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं आ रहा हूँ, और बाद में मुझे वीडियो कॉल करा,
तो मैंने सोचा शायद ऑफिस में होंगे, लेकिन गेट के सामने खड़े थे ये, रात का टाइम था। एंड अभी नाश्ता वास्ता हो गया, सीज़र का भी हो चुका है नाश्ता, लेकिन वो ऐसे ही देखता है जैसे बिल्कुल खाया नहीं है। और फिर हम अभी बाहर निकल चुके हैं एक मूवी देखने के लिए, तो यहाँ पे मेट्रो जा रही है। तो जो हमने मूवी देखी उसके बारे में इस वीडियो में मैं बस बहुत ही शॉर्ट गैप में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो इस बार तो खूब निकल रहा है आज, मम्मी पापा आज नहीं आ रहे, इनका उनका मूड नहीं था, तो मैं, मेरा भाई, बच्चे एंड मेरे पतिदेव निकल गए मूवी के लिए। तो क्योंकि अभी मूवी के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो आजकल मॉल्स में ऊपर सिनेमा हॉल एंड नीचे शॉपिंग, थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि कहीं और नहीं जाना पड़ता शॉपिंग के लिए। तो हमने शॉपिंग तो कुछ करी नहीं, विंडो शॉपिंग करी है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं जब पापा को देख के, तो हर चीज़ में बहुत एक्साइट होके बस हर चीज़ पापा के लिए टाइप। तो आदित्य और अभिषेक अपने डैडी के लिए एक के बाद एक शर्ट्स दिए जा रहे थे, डैडी ये वाला देखो ये वाला देखो। तो पहले आदित्य ने देना शुरू किया, उसके बाद अभिषेक भी शुरू हो गया, हर चीज़ उठा के लेके आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़, एकदम छोटी जगह भी लेके आ जा रहा है और दिखा रहा था अपने पापा को। एंड ये बोल रहे थे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके। एंड उसको फिर बंद कराने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो अभिषेक जो था शर्ट ला रहा था और फिर वापस जाके टंगा दे रहा था, उसको ये लग रहा था कि खाली दिखा के वापस टंगा देना है, घर नहीं लेके जाना है। बट आदित्य को तो मालूम है कि भाई ख़रीदना है टाइप, उसको था कि एक एक लेके आ रहा था और वापस रखे जा रहा था वो। एंड थोड़ी देर के बाद शुक्र है कि आदित्य ने उसको अननोइंगली डाइवर्ट कर दिया, वो थोड़ी दूसरी जगह पे गया और उसको वहाँ पे ये बैग्स दिखे और उसने इसको टंगा दिया। तो उसके बाद ये बैग्स के पीछे पड़ गया कि भाई बैग ख़रीदना है, बैग ख़रीदना है। और ये जो टंगा रखा था इसने वो खोल ही नहीं रहा था, बिलिंग भी नहीं करा था, बहुत ही ज़्यादा छोटू सा बैग है, इसमें बुक्स भी नहीं आएगी, ओनली एक टिफ़िन बॉक्स आ सकता है उस टाइप का है। तो अभी हम लोग जब वापस चले जाएंगे उसके बाद अभिषेक को स्कूल में भी डालना है, तो वो भी आप देखना कैसे जाता है स्कूल में वो बंठन के। अभी तो बोल रहा है जाऊँगा करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन के बाद बोलेगा जाऊँगा, बोलेगा नहीं जाऊँगा करके। तो अभी मूवी टाइम हो गया तो हम ऊपर जा रहे हैं। सो मूवी देखने के बाद अभी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ उसका रिव्यू। तो अभी हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, क्यों गए लगा मुझे इस मूवी में, सबका यही ओपिनियन था। हम गए थे तेलुगु मूवी के लिए गेम ओवर, सीरियसली डिसास्टर है वो। तो मेरे हस्बैंड तो उसको देख के एकदम डिसअपॉइंट हो गए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा इस मूवी को देखने के बाद। और मुझे तो लग रहा है कि
जिन्होंने भी टिकट्स के लिए, देखो अभी आजकल आप जब भी मूवी के लिए आते हो यू विल डेफिनेटली स्पेंड, अगर एक पर्सन का तो 250 टिकट है ही है। अभी हम लोग देखो चार लोग गए, 250 1000 रुपये तो टिकट का हुआ है, और उसके बाद यू विल हैव सम स्नैक्स ऑल्सो, उसके लिए भी आपको जब आते हो इंटरमिशन में कुछ तो च्यू करना है, उसके लिए भी आप खर्च करते हो, एंड उसके बाद यू नो गेट टू सी दिस काइंड ऑफ मूवी, एकदम डिजास्टर है। आई विल सजेस्ट कि जो भी तेलुगु पीपल है प्लीज़ डोंट वॉच गेम ओवर, इट इज़ सच अ डिजास्टर। मुझे तो लग रहा है क्योंकि व्लॉग के थ्रू अगर मैं बताऊँगी तो इट विल नॉट रीच मैनी पीपल, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं एक सेपरेट रिव्यू बना दूँ इसका गेम ओवर का, ताकि कोई अपने पैसे खर्च करने बिल्कुल नहीं आए। पूरी मूवी जो है अंधेरे में चल रही है, ना कोई मतलब ऐसा कुछ है कि अब लगे कुछ तो आए अच्छा, कुछ तो देखने के लिए भी अच्छा है, ना देखने के लिए अच्छा है, ना स्टोरी अच्छी है, ना शुरुआत अच्छी है, ना एंडिंग अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है। आई डोंट नो कि व्हाई पीपल यू नो डायरेक्ट सच काइंड ऑफ फिल्म्स। हाँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे कि इन्होंने इतना मेंटल टेंशन दे दिया कि लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इनकी इस चीज़ की वजह से, बिकॉज लोग जो है एक भरोसे के साथ जब मूवी देखने आते हैं इतने पैसे खर्च करके, एंड इतने बड़े बड़े थिएटर्स में जो है आजकल आप एक मूवी देखने जाओ तो आपके 2-3 हज़ार तो एम ही हो जाने, एंड उसके बाद आप इतना खर्चा कराने के बाद ये चीज़ देखने को मिलती है, तो नॉट एट ऑल सजेस्टेबल। प्लीज़ नोबडी गो टू वॉच गेम ओवर। नाम भी याद नहीं रखना चाहते हम दस, वी डोंट इवन वॉन्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ दस। तापसी जनरली अच्छी एक्टिंग करती है, इससे पहले जो भी मूवी हमने देखी है बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बट वाई डिड शी चूज दिस स्क्रिप्ट आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आपको कोई स्टोरी बताता है एंड व्हेन यू एक्ट ऑन इट एंड लेटर बिफोर रिलीजिंग यू ऑल्सो सी दैट देर इज नथ, आई मीन वॉट एवर इट इज़, आप भी देखते हो कि क्या चल रहा है मूवी में एंड देर इज नथिंग। तो ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको फिर भी देखनी है तो फिर आप जाओ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आज तक मैंने कभी भी आपको किसी भी मूवी का जो भी जिस भी मूवी के मतलब जिस भी मूवी को हम देखने के लिए गए हैं कभी भी ऐसा रिव्यू नहीं दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं बेशक मूवी हिट हो या नहीं हो बट इतना डिजास्टर तो कभी भी नहीं देखा है। सो प्लीज़ भैया कोई मत देखना गेम ओवर, एकदम इतने अच्छे मूड में आए थे कि भैया मूवी थोड़ी अच्छी होगी, हम एक्चुअली थ्रिलर मूवी देखने आए थे, कॉमेडी मूवी नहीं आए थे, लेकिन क्या थ्रिलिंग कुछ भी नहीं है, बिकॉज बकवास है यार, बकवास है। मेरे भाई आइसक्रीम लेने गए थे, अभी लेके आ गया, अभी हमने आइसक्रीम भी इसलिए खरीदी क्योंकि हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, और अभी हमने घर जाके जो आइसक्रीम खाने के बाद अपने दिमाग को ठंडा करना है। चलो सी यू देन। सो रिव्यू भी आपने सुन लिया तो बिल्कुल मत देखिएगा, एंड अभी घर जाने के रास्ते में जो है मंडी लगी हुई थी। आजकल ये अच्छा है कि काफ़ी देर तक 10 बजे के बाद कहीं गई तो हमारे सिटी में तो रात के 1-1 बजे तक भी मंडी लगी रहती है, तो जिनके घर में मतलब एक एक एरिया में हर जगह नहीं होता है, तो उससे ये फ़ायदा है कि अगर सब्जियाँ नहीं हैं तो रात को भी जाके आप खरीद सकते हो। एंड अगली सुबह हो चुकी है, हम लोग यहाँ फिर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके हैं, तो आज मम्मी ने बनाई है इडली एंड दो चटनियाँ बना, एक चटनी एंड एक पाउडर टाइप का होता है वो बनाया था, जो जैसे लाल मिर्च धनिया इन सबको पीस के नहीं ड्राई रोस्ट करके पाउडर कर देने से काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मूंगफली की चटनी बनाई थी एंड ये, तो अभिषेक भी आके चक्कर मार रहा था। आज जो है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैंने इनके जितना बड़ा फ़ैन मतलब देखा नहीं है, और भी हो सकते हैं शायद, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के फ़ैन। तो यहाँ पे क्रिकेट शुरू हो चुका है, नहा धो के सब लोग तैयार होकर बैठ चुके हैं एंड यहाँ पे अभी नेशनल एंथम चल रहा है, अभी पाकिस्तान का भी चल रहा था उसमें भी खड़े हुए थे हम सब लोग, और उसके बाद इंडिया का भी नेशनल एंथम चल रहा था तो उसके साथ भी हम खड़े हुए हैं, मतलब नेशनल एंथम के लिए। और कभी भी सिनेमा हॉल में भी जब होता है तो इट्स यू नो रेस्पेक्ट वाली चीज़ होती है, खड़े होना चाहिए, बहुत लोग नहीं होते हैं, तो मेरा एक संदेश है कि जब भी नेशनल एंथम हो प्लीज़ अपने देश को रेस्पेक्ट देने के लिए ज़रूर खड़े हो जाइए।
एंड ये वीडियो जो है आदित्य निकाल रहा था, तो इतना डार्क डार्क निकाल रहा है सब लोग की मतलब फेस ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा, मेरे भाई ने भी चेयर वेयर सब सेटअप करके स्नैक्स वगैरह भी सब रेडी कर दिए थे, क्योंकि मैच जो है 3 बजे शुरू हो रहा था और लंच तो हमने कब का कर लिया था। और मम्मी ने भी जो है पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न फ्राई कर दिए, सब कुछ रेडी हो चुके थे हम लोग। एंड इंडिया की बैटिंग होने के बाद हम लोग को ये पक्का हो गया भैया इंडिया तो जीतने वाली है, तो हम लोग एकदम टेंशन फ्री होके शॉपिंग के लिए चले गए। शॉपिंग मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वीकेंड था तो हमने बोला चलो ऐसे ही घूम के आते हैं करके। तो मैं, मेरा भाई और बच्चे सब लोग चले गए। एक इनकी जो इनका फुटवेयर है थोड़ा उसका सोल थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, तो इन्होंने सोचा चलो एक ले लेते हैं फुटवेयर करके। तो बाटा शोरूम से एक फुटवेयर ले लिया था, ये बीच में मैसेज आए जा रहे हैं, एक फुटवेयर ले लिया। और आदित्य ने भी अपने लिए एक शूज़ लिए, वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, इस व्लॉग में नहीं, किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। एंड अभिषेक पूरी चप्पलें उठा कर आ रहा था, ये भी लेना है वो भी लेना है, फिर बोलते हैं चलो बिल कराने के लिए लेके जा रहे, बोलते नहीं नहीं ये नहीं चाहिए करके। उसके बाद हो गया सब कुछ। और डोमिनोज से हमने सोचा अभी क्रिकेट मैच ख़त्म नहीं हुआ करके, हमने डोमिनोज से एक पिज्ज़ा भी ऑर्डर दे दिया कि घर जाके खाएंगे इत्मीनान से। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो घूमे घूमे खूब करिए, तो जब हस्बैंड आते हैं तो घर पे रह के क्या करेंगे, और वीकेंड भी है तो घर में रहना तो अनिवार्य नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हम सब लोग जो है बाहर निकल गए। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, एंड शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा घंटी बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।